खरगोन जिले के कसरावत में मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के लिए नगर पालिका मैदान से भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा विजय स्तंभ चौराहा होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। केंद्र और राज्य सरकार से हाथरस यूपी की बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की मांग की है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद द्वारा रखी गई। अगर जल्दी ही हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। वाल्मीकि जी के साथ कुछ दिनों 10-15 दिनों पहले कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म करके उनकी जबान काट दी थी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और बहुत सारा प्रताड़ित किया गया था। अभी पता चला है मीडिया के माध्यम से और अन्य सूत्रों के माध्यम से दिन में कि हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु हो चुकी है। यूपी प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उनको सही तरीके से इलाज भी नहीं कराया। हमारे भाई चंद्रशेखर रावण अभी 2 दिन पहले हमारी बहन के समर्थन में वहाँ हस्तपुत्र जो यूपी का जो जिला है उसमें बहन से मिलने जा रहे थे, उनके ऊपर भी घेराबंदी करके उनको जाने दिया नहीं गया देने दिया है। वो बेचारे बहुत तकलीफ मुसीबत से अपने काफिले को छोड़ करके बस से सफ़र किया, मोटरसाइकिल से सफ़र किया बहन से मिलने के लिए, पर यूपी की सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए उनको बहन से मिलने नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बात की, अभी पता चला कि हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का देहांत हो चुका है। हम आज उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने मैं दिल से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारी बहन को उचित मुआवजा दिया जाए और जो दरिंदे थे जो चारों दरिंदों को तुरंत फांसी दी जाए। और हम ऐसा मांग करते हैं कि उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को वो सरकारी नौकरी भी दे, और अगर इस प्रकार से अगर प्रशासन ने हमारी आवाज़ को नहीं सुनी तो ये हमारी श्रद्धांजलि भी है और हमारा विरोध भी है। और हम आगे इसके लिए जो है हमारी बहन के लिए हमको अगर धरना आंदोलन करना पड़ा, विरोध करना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम इन दरिंदों को बिना फांसी लगाए के मुख्य तख्ते पे पहुंचाए हम दम नहीं लेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में हमारी बहन के लिए खड़ी हुई है और आवाज़ को बुलंद करते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई रावण ने पूरी दमदारी के साथ दिल्ली में जो है अभी हॉस्पिटल के सामने धरना आंदोलन भी किया और अपील भी की है। तो पूरे देश का भीम आर्मी हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।